ये देखें भाई, हमारे ब्राउन वाले पपी की क्रॉपिंग होकर आ चुकी है। अब कुछ दिन तक इसके टांके ऐसे ही सूखेंगे, फिर कट जाएंगे, फिर पट्टी होगी और फिर खड़े हो जाएंगे। हम आज लव बर्ड्स को खोलने वाले हैं। एक लव बर्ड को तो हमने खोल दिया है, अब दूसरी जाएगी। ये देखें जी, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। और थोड़ी बहुत देर ये ऐसी उड़ेंगी, उसके बाद इनको पकड़कर बंद कर देंगे। अब कौन पकड़ के लाएगा इसे वहां से? ज्यादा दूर नहीं गया है यार। अंशुल को चुल हो रही थी कि आज कबूतरों को फेंक कर देखते हैं कि कितना ऊंचे उड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। आपको दिख रहे होंगे एक, दो और तीसरा भी यहाँ पर बैठा है, तो तीन कबूतर आपको दिख रहे होंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है, इसकी जो मादा है ना यार, वो कल शाम उड़ गई थी। मैंने इनको यहाँ पर बाहर खोला हुआ था, बच्चों की यहाँ पर शायद फुटबॉल आ गई थी। उनकी फुटबॉल के टप्पे खाने से हमारे यहाँ पर बैठे हुए दो कबूतर एकदम से उड़ गए। उसके बाद यार, एक तो ये वाला मेल उड़ा था और व्हाइट वाले की फीमेल उड़ गई थी, तो ये उड़ के नीचे पहुंच गया था। इसको तो मैं पकड़ कर ले आया था, लेकिन व्हाइट वाले की फीमेल पता नहीं कहाँ चली गई, वो इस साइड कहीं उड़ गई थी। तो अभी तक तो यार वो वापस आई नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो वापस आएगी। तो यार हमारा एक कबूतर उड़ चुका है, बड़े दुख की बात है यार। व्हाइट वाला मेल बेचारा अकेला हो गया, तो दूसरों से लड़ता फिर रहा भी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंशुल एक बार और उड़ी उसको ऊंचा फेंक मत दियो, और सुन, इतनी तेज मत फेंक दियो कि इसकी सर यहीं लग जाए, ठीक है ना? थोड़ा देख के फेंके, फेंक। ये देखे जी, कितना प्यारा लग रहा है यार। आ जाओ आ जाओ, अरे 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 अरे, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, मसक्कली आ जाओ। अरे भाई साहब, ओहो हो 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 यार अंशुल, तू मुझे लग रहा है इन्हें गुम कराएगा आज। ओ भाई यार, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया ये तो। ओ अंशुल अंशुल, ओ ओ शिट यार, गया। ले अब क्या करेगा भैया? अजी घंटा आ जाएगा, उसे व्हाइट वाले को उड़ा जल्दी यार। सेट यार, हमारा कबूतर वहां पर बैठ गया है यार। भाई साहब बड़ी दिक्कत होगी, उससे वैसे ही नहीं उड़ा जाता। मुझे तो मुश्किल लग रहा है यार, वो नहीं आएगा इस बार। दो कबूतर बचे हैं बस छत पे, एक वहां बैठ गया और एक का पता ही नहीं है कहाँ उड़ गई। ओ भैया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सारे उसे वहां से उड़ाते हैं, आगे बैठे वहां से कैसे उड़ा दूं उसे, जाके पहुंच के ऊपर। अच्छा, तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि हमारा वो वाला कबूतर यार भगवान की दुआ से वापस इस वाली छत पर आ चुका है, वहां से जंप करके। उसने वहां से जंप करी और वहां आ गया था। ये देखें जी, पहले ये वहां जाकर बैठ गया था, चलो शुक्र है कि ये आ गया। और देखें भाई, अब होगा यहाँ पे युद्ध। नहीं, सफेद वाले ने उसकी फीमेल दबोच रखी है। देख अब हटा यार, इनको देख क्यों रहा है, वो काट रहा है उसको। आज इस वीडियो में आपको इतने ज्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं ना, आप हैरान ही हो जाएंगे। कुछ पिछली वीडियो में सरप्राइज था और इस वीडियो में सरप्राइज आने वाला है आपके लिए। लेकिन ये सरप्राइज बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज है, और मैं चलो आपको बता ही देता हूँ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ कैनल पे, और हमने फाइनली घोड़ा ले लिया है। आप भी और हम भी बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यार कब घोड़ा लाएंगे, कब घोड़ा लाएंगे। आप कमेंट भी कर रहे थे बहुत सारे, तो यार फाइनली अचानक पापा ने घोड़ा ले लिया है। मुझे भी अब पता लगा है, जब घोड़ा आने वाला था ना तब पता लगा है। तो जल्दी से कैनल पर चलते हैं, घोड़ा क्योंकि आने ही वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। इतने हम जाएंगे, शायद आ भी जाए। तो जल्दी से कैनल के लिए निकलते हैं और मिलते हैं अपने नए घोड़े से। Oh, yeah.
आज मैं और अंशुल जा रहे हैं एक बहुत ही खास जगह। उस खास जगह का नाम है तुलसीपुर, यानी कि अंशुल का घर है वो। बहुत ही प्यारी सी चीज मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए और हमारे लिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं यार क्या देने वाला है ये। तो जो चीज मैं तुलसीपुर लेने के लिए आया था ना और जो अंशुल मुझे देने के लिए बोल रहा था वो है ये। इतने प्यारे प्यारे चिक्स हैं और ये चिक्स हैं स्वेंस के, यानी कि हंस बत्तख के हैं ये। तो यार अभी हमने इनको भीगी हुई रोटी और पानी रखा था। यार ये अभी थोड़ा सा अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं और जब से हम इनको लाए हैं ना ये ऐसी भागे फिर रहे हैं। यार इसमें अभी हमें पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। तो यार ये चीज तो इनकी बड़े होने के बाद ही पता लगेगी, लेकिन मैंने दो ले लिए हैं और इनके माँ बाप बहुत ही सुंदर थे। फिलहाल इनको लेकर घर चलते हैं। ए टाइगर, टाइगर सिट, गुड। ए खाना आ गया, खाने दे। टाइगर सिट, टाइगर सिट, शाबाश शाबाश शाबाश। और ये डीवन का बेटा है। टाइगर यार बिल्कुल डीवन की शक्ल पे लगता है मुझे कभी कभार तो ये। तो यार हम कल शाम यहाँ पर आए थे और लेट हो गए थे, तो हमने सोचा कि रात को यहीं रुकते हैं और यहाँ से सुबह निकल रहे हैं। फिलहाल तो सनराइज हो चुका है और अब जल्दी से यार घर के लिए निकल रहे हैं। तो यार अभी हम लोग सीधा कैनल पर जा रहे हैं। देखे पूरे दबा का मार रहा है। मैं काटता नहीं हूँ देख। यार मैं गाड़ी में से डक्स को लेने आया हूँ। ये काफी देर से गाड़ी के अंदर ही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको एक बार कैनल के दर्शन तो कराई दें। वैसे मैं इनको कैनल पर छोड़ूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर डॉग्स वगैरह हैं और अभी इनका साइज काफी छोटा है, तो यार ये यहाँ पर तो शायद मुश्किल ही सर्वाइव कर पाएंगी। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इनको कैनल के अंदर ले जाते हैं और घोड़ा आपने देख लिया होगा, तो लेकर चलते हैं इनको अंदर। अभी तो यार मैं इनको घर पर ही रखूंगा क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है ना, जब इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही कैनल पर ही रहा करेंगी। ये देखें जी हमारे चिक्स। देखो यार ये अभी थोड़ा सा भूखी है। तो दोस्तों अभी हम घर पर आ चुके हैं। ये वाली जो हमारी बची है ना जिसने अंडे दिए थे और इसी ने फोड़ भी दिए थे अपने अंडे, यानी कि ये अपने अंडों को खा गई थी। तो यार इसकी तबीयत कल से खराब है। जब मैं कल यहाँ से गया था ना तो मैंने इसको कल दवाइयाँ दी थी, तो तब से इसकी तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओके हो गई हो। थोड़ी सी तबीयत इसकी अब भी खराब है, लेकिन कल तो इसका हाल ऐसा था कि नीचे से उड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन चलो भगवान का शुक्र है कि थोड़ा बहुत ही उड़ पा रही है और ऊपर बैठ चुकी है। स्वेंस को ऊपर लेकर आ गए हैं और इसमें हमने भिगो रखी है रोटी, तो इनके लिए जल्दी से हमें एक जाल का जुगाड़ करना पड़ेगा। अंशुल पीछे चल रहा था, कोई जाल देख कर लाते हैं इनके लिए। तो रैबिट्स को हमने बड़ा वाला जाल दे दिया था और जो छोटा वाला जाल है ना ये अभी तक खाली है, इसके अंदर सही रह लेंगे तो इसमें उनके पैर भी नहीं जाएंगे, सही है ना। चिक्स को बाहर निकाल दिया है और इनका जाल ये रहा, इनका जाल यहाँ पर तैयार है। ओहो पानी पी रहे ना, इनके लिए किसी चीज में पानी भर के रखेंगे। तो यार अंशुल ने जैसी रोटी डाली है ना ये आने लग गई हैं। ये देखें जी यार, वैसे हम इन्हें कैनल पर भी घुमा कर लाए थे ना, तो इन्होंने वहां भी घास खाई थी और यहाँ भी आते ही हमने इनको रोटी वगैरह डाल दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको ओवर फीडिंग हो जाए। तो यार अभी हमने चिक्स को खोले हुए, ज्यादा देर नहीं हुई है हमें, और पता है एक शिकारी भी आ गया है, दिख रहा है। ये देखें ये बाज है या फिर पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ ये आ चुका है। यार मैं तो ताज्जुब मानता हूँ कि ये यहाँ पर आए हैं और उसको पता नहीं खुशबू पहुंची है या आवाज सुनाई दे गई। देखो वो उड़ रहा वहां पर गया। ये देखें जी फिराक इसने लगा लिया भाई और पूरी ताक में बैठा है कब हम यहाँ से जाएं और कब ये इसे उठाए। तो यार इनको इस तरह से छोड़ना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम इनको जाल में छोड़ेंगे, लेकिन जाल भी यहाँ कहीं नहीं रखेंगे, जाल भी कहीं अंदर रखेंगे। और दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज है, एक बार इन चिक्स को इनके घर में शिफ्ट कर दें उसके बाद आपको एक प्यारा सा सरप्राइज देते हैं। आजो
तो यार टाइम है बहुत ही प्यारे से सरप्राइज का। आपको पता ही है ये वाला जो हमारा मेल है ना व्हाइट वाला, इसकी फीमेल हमारी जा चुकी है। तो भाई हमने ये वाला मेल तो बाहर निकाल दिया है, अब बारी है इनकी। चलें जी, तो अब बहुत ही प्यारी चीज आपको दिखने वाली है। ये देखें जी, हमारी इस वाली कबूतरी ने अंडा दे दिया है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना यार। और यार इन्होंने अचानक, जैसे मैं कल बाहर गया ना तो मम्मी ने मुझे बताया कि इन्होंने तो अंडा दे रखा है। तो चलो यार ये बड़ा अच्छा हो गया है कि हमें हमारे कबूतरों से पहला अंडा मिल चुका है और बहुत ही जल्दी ये दूसरा अंडा भी दे देगी। क्या बहुत ही जल्दी ये दूसरा अंडा भी दे देगी। और देखते हैं, उम्मीद तो ये है कि यार बच्चे भी निकल जाए उसमें से, क्योंकि हमारा एक कबूतरी तो उड़ी चुकी है, तो उड़ते उड़ते ही एक अंडा आ चुका है, अब दूसरा भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अभी इनका मन नहीं लगने का, क्योंकि अपने माँ बाप के पास रहते थे ना, तो इतनी जल्दी ये हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो ये मुझसे इतना प्यार करने लगेंगे, मेरे साथ साथ ही रहा करेंगे, क्योंकि जहाँ से मैं चिक्स लेकर आया हूँ ना, वहाँ पर जो माँ और बाप है वो अपने मालिक के साथ साथ ही रहते हैं। तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।